गाइस पीछे का भी आप लोग दृश्य देख रहे हैं यहाँ का, क्या ही गजब का दृश्य है यहाँ पे। तो पीछे के जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मस्त एकदम, क्या ही मंदिर बना है भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बाकी जो ये सब मतलब कि मंदिर और ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, बाकी जैसे कि मैं उतना वो नहीं इस पर कर पाऊँगा कि मुझे वैसी ही जगहों पर बहुत मज़ा आता है घूमने फिरने वाली। मुझे मंदिर मंदिरों में भी बहुत अच्छा लगता है आना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हम लोग 2-3 घंटा स्पेंड करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और आप लोग को भी दिखाता हूँ पूरा। लेकिन आँख से देखने में और कैमरे से देखने में इतना कुछ मतलब कि उतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाएगा जितना आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइव देख रहे हैं यहाँ पे। तो दिखाते हैं आप लोग को कैमरे में ही और जैसा भी लगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे ज़रूर आना बिल्कुल। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ। तो दिखाता हूँ, अरे रे रे देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए लड़ाई हो चुकी है दोनों भाई भाई, हाथ मिलाई पहले, आप लोग गलत बात है, बहुत सही, हाँ डन गाइस। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर पे ऊपर, ये पीछे पूरा भक्ति धाम है और बहुत ही अच्छा जगह है, और यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं। और अंदर फोटोज तो मैं खुद ही नहीं लूँगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अंदर कोई भी सेल्फी ना फोटोग्राफी अलाउड कुछ भी नहीं है, बहुत ही तगड़ा है। और अभी आप लोग को शाम होते ही अभी आप लोग को और बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे, तो दिखाता हूँ अभी, वीडियो में बने रहो। गाइस अभी यहाँ पे धीमे धीमे अंधेरा हो रहा है और अब यहाँ की लाइटिंग तो बहुत ही अच्छी है होगी, तो जो भी अभी आप लोग को दिखाऊंगा अभी। तो अभी चलते कुछ खाते पीते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे गला वाला सूख जाए बोलते बोलते, तो चलते हैं वहाँ पे। बिजी कर रहे हो साले, फ्रंट कैमरा है जब तो इनको पहले दिखाइए। क्या कह रहे थे आप बताइए, सबको फेमस कर दूंगा इन दोनों को। उधर से ही चलो, तो गाइस कैंटीन इधर, हम लोग चलते हैं कुछ खाते हैं पहले, उसके बाद फिर आएंगे यहाँ पे दोबारा। तो चलते पहले कुछ खा वो लेते हैं, क्योंकि बोलते बोलते गला भी सूख रहा है और बहुत ही बड़ा मंदिर है, अभी एक्सप्लोर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, खा पी लेते हैं उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे खाना वाना मतलब कि कुछ खा पी लिए हैं, लेकिन ये जो हम लोग ने खाया है इसका टेस्ट में बताना चाहूँगा तो उतना अच्छा नहीं है, इतना खास नहीं है, एवरेज एकदम है। और मैं अपने दोनों भाइयों से भी जानना चाहता हूँ कि कैसा उनको लगा टेस्ट, कैसा लगा आपको? तीखा है भाई, मसाले मसाले, मतलब सुबह पता चलेगा आपको क्या है तीखा। आपको कैसा लगा? केवल मसाला ज़्यादा था और कोई टेस्ट सही नहीं था, चाय अच्छी थी, चाय अच्छी थी और हाँ कॉफ़ी अच्छी थी। और चाय का आप क्या बताएंगे रिव्यू? चाय अच्छी थी। चलते हैं हम लोग बाहर और आप लोग को बाहर का दृश्य दिखाते हैं, चलते हैं। गाइस अब हम आप लोग को पीछे का दृश्य दिखाते हैं यहाँ का, जो कि अब पता समझ में अच्छा लग रहा है, बहुत ही समझ में आ रहा है। तो ऊपर चल के हम आप लोग को यहाँ का दृश्य दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ का। तो देखो दृश्य और क्या कहना चाहूँगा, बस देखो दृश्य और इन्जॉय करो। और थोड़ी देर और रुकते हैं अभी यहाँ पे और फिर उसके बाद हम लोग भी यहाँ से निकल लेंगे।
और ये गाइस हम लोग इधर भी आ गए हैं, ये एक श्री गुरु धाम पूरा लिखा हुआ है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और ये फ्रंट नहीं बैक साइड का इसका है, अभी हम लोग उस साइड हैं। तो ये देख लो गाइस कितना अच्छी लाइटिंग है नीचे, और पीछे अपना ये लोग अपना अलग ही में ही सब मस्त है, और पीछे देख सकते हैं लाइटिंग बहुत ही अच्छी है कितनी है आगे। तो चलते हैं आगे, और अभी आप लोग को आगे भी दिखाते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी जगह है, और ये शाम के समय और ही अच्छी हो जाती है, हेवन है एक तरीके से। चलते हैं आगे, और ये सामने जो आप लोग देख सकते हो, ये समय यहाँ पे चल रहा है सत्संग जो कि हो रहा है इसमें, और अभी ये यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा है, और आगे भी और ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो पूरा देख सकते हैं अभी मंदिर से, तो और ही खूबसूरती यार, एकदम इतनी अच्छी खूबसूरत है, इतनी जगह है ये, ज़रूर यहाँ पे आइएगा, मेरा तो यहाँ पे पर्सनली रिक्वेस्ट है आप लोग से, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ ज़रूर आइएगा क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है, और आप लोग को यहाँ पे आने में और शाम के समय तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो बस और क्या ही कहूँगा, एंजॉय करो। तो मैं अपने भाई से पूछता हूँ कैसा एक्सपीरियंस है उसका यहाँ पे आने का, कैसा एक्सपीरियंस है? एकदम मज़ेदार, मज़ा आ गया, मज़ेदार, माय गॉड, आबादी भाषा सबको मज़ेदार, एकदम मज़ा आ गया आपको यहाँ पे घूमने, ठीक है बाबा बस और क्या ही। ये सामने चल रहा है सत्संग आपको क्योंकि हो रहा है जैसे कि मैंने बताया भक्ति भवन में, और आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ से भी खूबसूरत। यहाँ पे सब इधर उधर हो चुके हैं, सब इधर उधर बिछड़ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे सब कोई इधर जा रहा है देखने को, इधर घूम रहा है, इतनी अच्छी जगह है, तो सब इधर बिछड़ चुके हैं, कोई उस साइड फ़ोटो खींच रहा है, क्लिक करवा रहा है, और कोई इधर खींच रहा है, और हम यहाँ पे अपना आप लोग के साथ व्लॉगिंग कर रहे हैं और पूरा आप लोग यहाँ का दृश्य दिखा रहे हैं, और बहुत ही ओट बहुत सूख रहा है मेरा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन अभी तो यहाँ पे एकदम अच्छा लग रहा है, तो देख लेते हैं पीछे बाबा आप लोग को नज़ारा। नहीं इसको रिकॉर्ड करके पहले दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि इसकी मैं कहानी बताता हूँ ऐसे करके स्टोरी इधर उनके वो जो आप क्लिक करें उन पे भी ज़ूम करें, अभी बताऊंगा ना रुक जाओ। गाइस जैसे कि ये हमने आप लोग को यहाँ की कितना किलोमीटर पड़ता है ये प्रयागराज से, मैंने ये नहीं बताया, तो ये प्रयागराज से टोटली 75 या 70 किलोमीटर पड़ेगा ऑलमोस्ट आप लोग को, तो प्रयागराज से पड़ेगा, मैं ये प्रयागराज से बता रहा हूँ यहाँ आप तक का, तो 70 या 75 किलोमीटर ऑलमोस्ट पड़ेगा ये आप लोग को, इससे कम नहीं होगा। तो
बस ये मैं बताना चाह रहा था। और अभी हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ और घर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस हो चुका है हम लोग का दर्शन यहाँ पे, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अपने घर के लिए। और कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग, तो यहाँ का कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग कह रहा हूँ, कैसा लगा आप लोग को ये जगह कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी अच्छी अच्छी जगह और अच्छी अच्छी जगह जाता रहूँगा। तो चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आप लोग को रास्ते, मिलते हैं आप लोग को घर पे। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कैसे लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट शिवा को गुलाबी बैग वाली लड़की दिख जाए उसकी बंदी है शिवा एक्सप्लोर। ये लड़के को कह रहे हैं हम लोग, ये जो हंस रहा है दांत दिखा के, ये शिवा की नाके दांत है।